यूपी के मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बावजूद भी शामली के प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां ठंड और बारिश के चलते आधा दर्जन गौवंशों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के गांव सिंबालका का है, जहां पर तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि के चलते करीब आधा दर्जन गौवंशों ने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिए थे कि आवारा पशु और बछड़ों को जो बीच बाजार में आवारा घूमते पाए जाएं और खेत खलियान को नष्ट करें, उन सभी गौवंशों को पकड़कर गौशाला में भेजा जाए। शामली प्रशासन ने यूपी के मुख्यमंत्री के आदेशों को हवा हवाई करते हुए फर्जी तरीके से बनाई गई गौशाला में गौवंशों को डालकर उनकी कोई भी सुध नहीं ली। तेज बारिश और तेज हवा और ओलावृष्टि के कहर के आगे आधा दर्जन बछड़ों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि सिंबालका गांव में गौशाला में अधिकारियों ने चारों तरफ गड्ढे खुदवा दिए हैं, जिस कारण आधा दर्जन बछड़ों ने गड्ढों में पानी भर जाने के कारण डूब कर दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंबालका गौशाला में प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है और न ही गौवंश को देखने के लिए अधिकारियों ने जहमत उठाई। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है यहाँ पर आधा दर्जन बछड़े ठंड और बारिश के पानी से डूब कर बिलक बिलक कर मर गए। बछड़ों के मरने की सूचना जैसे ही अधिकारियों तक पहुंची तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और तुरंत ही आदेश जारी हो गया, गौवंशों के लिए छाया का प्रबंध, बारिश हवा, चार गौवंशों का तन ढकने के लिए मजदूरों को काम पर लगा दिया। ऊपर से ठंड बारिश, तो प्रधान ने कोई व्यवस्था कराई नहीं, कोई ठोस व्यवस्था। चार दीवारी होती इसकी, ये गड्ढा खोद दिया चोर चारों तरफ को, तारबंदी होती है, चार दीवारी होती है, स्थाई समाधान तो कुछ नहीं करा। अभी आसपास के जो जितने भी खेत है अभी इनमें ही सारे, सरकार का आदेश था 10 तारीख लोग का सब काम कंप्लीट हो जाना, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। अभी ये जो कुछ है सामने है, ठीक सौरभ जी, ये बछड़े मरे पड़े हैं, क्या पूरा मामला? यहाँ से ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई कर्मचारी है एक भी, ना हमने देखा यहाँ। ठीक है जी, गड्ढे खुदवा दिए, पानी भर रहे गड्ढों में, 10-10 के मर गए बछड़े, कुत्ते खा लग रहे, उन्हें भी कोई छुटाने वाला नहीं है कुत्तों से भी। सरकार का आदेश था कि 10 तारीख लोग का सब काम कंप्लीट हो जाना है गौआश्रय का, तो यहाँ पे प्रधान जी आए, प्रधान जी ने देखा नहीं यहाँ पे इस वक्त? देखा, प्रधान जी क्या देखेंगे, देखेंगे तो सरकार ही देखेगी। सरकार वंशी आओगी देखने के लिए? अरे यार और कौन आऊगा? नहीं, सरकार जो है ना कर्मचारी छोड़ती है, प्रधान छोड़, प्रधान के दायित्व में है सब काम। प्रधान जी तो आते रहे थे, प्रधान जी मरे हुए जानवर को देख के चले गए, पता नहीं इस बारे में। तो शामली के एसडीएम का कहना है कि सर जो ये सिमालका में सर गौशाला में सर बछड़ों की मौत होगी, सर क्या पूरा मामला है सर? देखिए आपने जैसा बताया, सीडीओ साहब को जानकारी करा दी गई और जांच कराकर जो कार्रवाई होगी करा दी गई।